हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपग्रेडिंग एग्जाम चैनल में। सर सौदा सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं फिर से क्लैन वॉर ईपीडी के साथ। जी हाँ गाइस, आप लोग सही सुन रहे हो। तो हाँ, बहुत सारे बोल रहे थे ईपीडी हरा देगी, ईपीडी हरा देगी। तो फिलहाल इधर इतना अच्छा सबने हक दिया लावरश में, क्या बताऊँ, हगे ही जा रहे हैं। एंड सामने एक अनबिलीवेबल निकल गई थी जो कि है मीशा, एक्सपेक्ट नहीं था बट हाँ ठीक है, निकल गई तो ठीक है। अभी देखो रैंडम भी जा रहा था, प्रेशर मेरे को ज़्यादा हो रहा था क्योंकि भाई अगर हक दिया तो पत्ता साफ है। सो हाँ, रूल्स था सेम एंड 7v7 था, हाँ 7v7 या 6v6 था। एंड फर्स्ट विन ये था, फर्स्ट विन 6 था, ठीक है। नो PHK, फेसलेस ओनली, मिडिल टनल अलाउड। सो हाँ देखो, ये फिलहाल बहुत ही ईजीली प्यार से निकाल लेती है। तो हाँ, हमारा फर्स्ट राउंड गाइस निकल जाता है, मिशा ने निकाल दिया क्राउन, तो इसी के साथ 1-0 हो जाता है स्कोर। फिलहाल जो नेक्स्ट राउंड है वो है हनी ड्रॉप, एंड मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जैसे कि आपको पता है। बाकी बोले को कुछ ज़्यादा बचा नहीं है इस वाली वीडियो में, तो मैं क्या ही बताऊँ, ये भी समझ नहीं आ रहा। हाँ तो पहले थोड़ा बता देता हूँ कि देखो हनी ड्रॉप में मतलब इतने रैंडम पंचेस पड़ रहे, क्या बताऊँ, एंड वो लोग जल्दी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई कौन मेरे को ही ट्रैप कर दिया भाई, मतलब क्या कर सकते हैं। बट ठीक है, सब लोग नीचे गिर गए थे, लास्ट में गिरा ऊपर वाले फ्लोर से नीचे, तो मैं धीरे धीरे खा रहा था तो इधर से इस वाले टाइल पे गया। तो बाकी मैं बता दूं कि ईपीडी क्लोज हो चुका है। हाँ एंड देखो उनके ना 6v6 नहीं, शायद 6v6 या 7v7 ही हो रहा था। उनके 5 बंदे आ रहे थे एंड एक समय था उनका 4 बंदे एंड हमारे भी 4 बंदे, हमारे बेसिकली 6 बंदे आ रहे थे बट मतलब 5 बंदे आने लगे, भाई क्या ही बताया अभी ज़िंदगी में। तो हाँ, कुछ बताने को है नहीं। तो इसके साथ फिर कच्चा ऊपर वाले टाइल पे रह जाता है, तो इसके साथ यार हमारे 2 एंड उनके 0 हो जाते हैं गाइज। सो अभी देख सकते हो जैसे कि कैनल क्लाइम आ चुका है। तो हाँ देखो इधर ना इतना अच्छा होगा भाई, बिग शॉट आउट टू भाई VN गेमर्स, भाई भाई क्या बताए भाई, अब देखो देखते रहो भाई, उसके पास अच्छा खासा लीड रहता है। तो बाकी इधर लीड कैसे ही ले मेरे को घंटा समझ आ रहा, तो ऊपर से ये बॉल आके मार रहा है हमको। तो उधर का एक ईपीडी जस्ट प्रिंस, देखो डिस्टेंस देख रहे हो प्रिंस एंड उसकी, मैं इधर से जाने की कोशिश किया मतलब ताकि अगर VN गेमर्स एंड उस प्रिंस ने अगर हक भी दिया बाय चांस तो मैं लेकर चला जाऊंगा, बट हुआ नहीं, उन लोगों ने हगा नहीं एंड मेरा थोड़ा लेट, एंड प्रिंस ने पहले ले लिया। मेरे नहीं भाई कुछ बोलने का ही नहीं बचा, इधर कौन हकता आई डोंट नो। 2-1 हो चुका है स्कोर। सो गाइस जो नेक्स्ट राउंड है वो है ब्लॉक डैश, एंड ब्लॉक डैश में करेंगे कमाल धमाल एंड टमाल, जो भी करना है कर लेंगे। देखो अभी देखो ब्लॉक डैश आने पे मेरा, मैंने बोल दिया मैं संभाल लूँगा, तुम लोग टेंशन ना लो, मेरे ऊपर छोड़ दो। तो हाँ मैंने बोला ना कि मैं हक भी सकता, तो ज़्यादा फ्री मत हो भाई, पता चला मैंने हक दिया एंड वो लोग भी हक दिए तो उनका क्राउन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना था। तो फिलहाल हमारे बंदे लोग को इतना पंच पा रहा था ना सेकंड राउंड में, हम क्या ही बताएं, अभी कुछ बताने को बचा ही नहीं है। तो हाँ इनके इधर का जो ईपीडी मॉन्स्टर है इसके साथ मेरे को बहुत ज़्यादा इस ब्लॉक डैश का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था, तो मैंने बोल दिया अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड के धंधे में मत खेलो, क्लैन वॉर के धंधे में खेलो भाई, पता चला ये मेरे लिए तोड़ रहा, मैंने इसके लिए नहीं तोड़ा, अनफेयर हो जाएगा भाई। तो मैंने बोल दिया क्लैन वॉर के धंधे में खेलो तो मैं पूरा तोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, पूरा तोड़ दूंगा मतलब हाँ पूरा तोड़ के रख दूंगा ताकि तुम ना आ सको, तो मैंने पहले से बता दिया था। तो हाँ गाइस इधर ओवर टिप्स एंड ट्रिक्स करते हुए इधर हक देता हूँ मैं। तो देखो फिलहाल मैं इधर मतलब ज़्यादा ओवर टिप्स एंड ट्रिक्स कर रहा था, एंड क्लच ट्रिक ओपन दी चैट बोलते पब्लिक। सो गाइस इधर जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि क्लच ट्रिक करके मैं आ गया फिर से। तो इधर मतलब इतने ट्रस्टेबल लोग हैं ना भाई ब्लॉक डैश में, क्या बताएं, कच्चा था ये थे वो थे, बाय द वे सब ने हक दिया अनफॉर्चुनेटली। तो हाँ इधर 1v3 का सिचुएशन आ गया है, कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला ठीक है मैं निकाल सकता हूँ, चांसेस मेरे ऊपर ज़्यादा है भाई। देखो भाई ब्लॉक डैश अपन ने ग्राइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी वाली करके रखी है, एंड मैंने बोला कि क्लच ट्रिक अभी काम नहीं करेगा, ब्लॉक अगर मैंने गलती से भी हक दिया तो क्लच ट्रिक में क्या होगा, एक बंदा आके मेरे को बॉडी दे दे फिर भाई ज़िंदगी झंड हो जाएगी। तो हाँ यही था, एंड उधर बॉडी देने के लिए आया भी था बट नहीं हो पाया बॉडी, क्या कर सकते हैं, देखो हम खुद बॉडी खा जा रहे थे साहब। तो हाँ इधर भाई बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन होता है, ये सब ब्लॉक्स आते हैं ना इधर किधर से घुसे घंटा समझ में आते कुछ। तो हाँ यार इधर अगर एक बार क्लच ट्रिक भाई भाई जाता भाई। तो हाँ इधर हमने ट्रिक कर ली, उसने भी कर ली, मैंने भी कर ली, एंड मैं देर से तोड़ रहा था ताकि टाइम ज़्यादा हो जाए। तो हाँ भाई मैंने इधर कर ली फिलहाल, तो 1v3 करके यार क्राउन ले लिया आपके भाई ने। तो इसके साथ यार UR के 3 एंड EPD के 1 हो जाते हैं गाइज।
तो अभी जो नेक्स्ट राउंड है वो है स्पेस रेस। एंड स्पेस रेस में गाइस इधर देखो, स्पॉन अपने पास नहीं थी, गेमेस के पास थी। बढ़ा अपन ने गेमेस की ट्रिक अप्लाई की, गेमेस ने बोला, गेमेस का ट्रिक है यही कि इधर से जाने का। तो हाँ, लीड अच्छी खासी मिल भी गई यार सच्ची में। गेमेस ने बोला इधर से जाओ करो भाई, लीड अच्छी खासी मिलेगी, जो कि मिल गई। तो आप लोगों को भी मैं सलाह दे रहा हूँ यार, इधर से जाया करो यार, लीड इतना अच्छा मिलेगा ना फिर भाई आपका पॉइंट, भाई फिर आप आपके क्लैन के लिए ही जीत जाओगे, या फिर अभी अगर कोई भी क्लैन के प्लेयर हो तो ऐसे करते रहो भाई, ईजीली हो जाएगा। तो पीछे मेरे ही बंदे चल रहे थे फिलहाल, तो ईपीडी के थोड़ा ज़्यादा ही पीछे थे। अब क्या कर सकते, पीछे थे तो उनको आगे तो नहीं देना चाहते। तो इधर हाँ, कच्चा था तो मेरे को प्रेशर हो रहा था क्योंकि कच्चा ना लेके जाए भाई, मेरा इजी क्राउन ने पता चला कच्चा ने कौन से ट्रिक करके ले लिया। तो नहीं भाई, इधर फिलहाल मैंने ले लिया गाइस क्राउन, तो इसके साथ फिर से मैंने ले लिया, एंड इसके साथ 4-1 हो चुका है स्कोर। जो नेक्स्ट मैच है, नेक्स्ट मैप है वो है गाइस ब्लॉक डैश, एंड फिर से ब्लॉक डैश आ चुका है। एंड यार समझ में आ रहा ही होगा ये वाला क्राउन मैं नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि रीज़न पूरा बता रहा हूँ। तो इधर थोड़ा डेड बॉडी का जैसा रिएक्शन कर रहा था, थोड़ा डेड बॉडी के जैसा रिएक्शन कर रहा था मैं इधर फिलहाल, एंड वो लोग क्राउन दिखा रहे थे। तो इधर हमारे बंदे थे थोड़े से, बट हाँ अभी इधर उनका बंदा ने बोल दिया था पूरा मन मन में कि ये वाला क्राउन नहीं छोड़ने वाला भाई, बेइज्जती नहीं करवानी अपनी ब्लॉक डैश में। तो हाँ ठीक है यार, अपन ने भी बोल दिया था बेइज्जती तो नहीं करवाएंगे, बट हाँ यार बेइज्जती इधर हो चुकी है फाइनली, क्या कर सकते अभी तो, हाँ कुछ कर तो नहीं सकते, जीवन झंड है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं सच्ची में नहीं कर सकते। तो फिलहाल हाँ गाइस एक बात बोलना चाहूँगा मैं, टीडीजी के साथ गाइस सर फाइनली उन्हें वर्क कर लिया, एंड स्कोर वगैरह सब आपको मालूम पड़ जाएगा। एंड एक चीज़ और एक बोलना चाह रहा हूँ, एक टीजी बोलकर भी क्लैन है जिसके साथ वॉर करके हमने 6-2 से पीट दिया उनको, 6-2 से या हाँ 6-2 से पीट दिया। एंड इधर मैं थोड़े सस्ते नशे कर रहा हूँ, महंगे नशे नहीं हो पा रहे गाइस सॉरी, सस्ते नशे में इग्नोर करना, सस्ते नशे ओपन दी चैट बोलते पब्लिक। तो इधर फिलहाल बॉडी देने के चक्कर में खुद लेजर में जाने वाला था, तो देखो भाई ये सब सस्ते नशे की वजह से मैं एलिमिनेट हुआ बाय द वे। तो हाँ इधर भाई ज़्यादा ओवर टिप्स एंड ट्रिक्स कर रहे थे हम लोग, एंड ये वाला गंजी टैंड ब्लॉक आ गए, अब क्या कर सकते, इसमें काटा जाके मेरे को जाना पड़ा। एंड उसके बाद इधर बहुत ही सावधानी से हमको जाना पड़ा, इधर बॉडी देने के लिए मैं खड़ा था बट बॉडी तो उल्टा हमको ही पड़ जाता, ज़्यादा बॉडी देने के चक्कर में भाई आउट हो जाते। बट ठीक है यार, इधर बॉडी अच्छे से हुआ तो नहीं है, हमको ही खुद को बॉडी हो रहा था, बट हाँ हो चल रहा था अभी फिलहाल। तो अभी ना फिलहाल क्या होता है कि देखो इधर क्या होता है, क्लच ट्रिक में कर लेता हूँ, इधर मैं पैनिक कर गया, क्लच ट्रिक में कर लेता हूँ, बट उनका बंदा आके मेरे को बॉडी दे गया जिसकी वजह से क्लच ट्रिक फेल्ड हो गया, एंड इसी के साथ यार उनका बंदा ले गया। तो इसके साथ यूरोप के 4 एंड ईपीडी के 2 हो जाते गाइस। एंड नेक्स्ट मैप है लावा रश, एंड इस वाले लावा रश में गाइस देखो मैंने सस्ती वे चूज़ किया, क्योंकि देखो यार भाई इधर से जाएंगे ना बॉडी हो जाता है मेरे को बहुत ज़्यादा, अगर फ्रंट स्पॉन हुआ ना तो मैं चला जाऊँगा, बट अगर स्पॉन नहीं हुआ तो बॉडी इनटू 100 पड़ती है। तो मैंने भाई सोच लिया था कि नहीं भाई बॉडी नहीं करने देंगे भाई, तो मैं इसलिए सस्ती वे जाके किया। आगे हमारे बंदे चल रहे थे तो प्रेशर बोल रहा, कच्चा बोल रहा था, कच्चा को ज़्यादा प्रेशर हो रहा था उधर, बट हाँ भाई कच्चा है ही नहीं, बट इधर आर्यन लेके चला गया। तो गाइस मैंने शायद से गलत बोला, कच्चा को नहीं आर्यन को प्रेशर हो रहा था, गलत ही बोल रहा हूँ भाई, क्या बोल रहा पता नहीं। इधर आर्यन जीत गया बट वो वाला स्कोर काउंट ही नहीं किया भाई इन लोग ने, क्योंकि बोला कि भाई हमारा कोई बंदा ही नहीं था, मतलब इनके एक भी बंदे सेकंड राउंड तक क्वालिफाइड ही नहीं कर पाए, सारे ने हक दिया। तो हाँ क्या ही कर सकता अभी, तो इसलिए उन लोग ने बोल दिया कि रीमैच करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैंने बोला ठीक है भाई, हम अच्छे इंसान है भाई, भले क्लैन वाले हैं भाई, रीमैच कर दिया। तो इसी के साथ 4-2 ही है स्कोर फिलहाल, आपको जो पता है वही है। तो हाँ भाई ऊपर एक जन मेरे को कॉल कर रहा था, क्या कर सकते हैं जीवन में, बट हाँ इसी के साथ यार गेमेस निकल लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कैसे निकलता है बट निकाल लेता है। तो 5-2 था स्कोर, एंड ये है लास्ट मैच गाइस। हाँ आप लोग समझ ही चुके हो कि क्योंकि इस वाले मैच में होने वाले इनको खात्मा, इनका अंत होने वाला है। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना है, अगर आपको आज का वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो इधर देखिए मेरा क्राउन था, तो ये मेरा ही विन है, बट हाँ ये सब पसंद नहीं यार, मैं बैन दे देगा भाई साड़ी भाई तेरे को, फिर से बोल रहा ये सब पसंद नहीं भाई, क्राउन ले रहा पागल भक्त। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।